इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा आपसे थोड़ी ही देर पहले गुलाम नबी आजाद के घर पर पहुंचे हैं। आनंद शर्मा कांग्रेस के पहले ऐसे बड़े नेता हैं जो इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी है और आनंद शर्मा CWC के सदस्य हैं और इस्तीफे के बाद गुलाम नबी आजाद से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे हैं कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा। और ऐसे पहले बड़े नेता जो गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर उनके घर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा गुलाम नबी आजाद से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। सीधे रुक कर लेते हैं, जैनेन्द्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र, आनंद शर्मा का गुलाम नबी आजाद से मिलना, पहुंचे हुए हैं उनके घर पर, क्या पूरी खबर है और क्या कुछ इससे समझा जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये मुलाकात क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने एक दिन पहले ही इस्तीफा दिया है कांग्रेस पार्टी से और अपने इस्तीफे में उन्होंने राहुल गांधी को जमकर निशाने पर लिया और उसके 24 घंटे बाद आनंद शर्मा जो न सिर्फ उनके पुराने साथी हैं संगठन में, सरकार में भी साथ काम किया, बल्कि G23 जो कांग्रेस में एक असंतुष्ट नेताओं का समूह है उसमें भी आनंद शर्मा के साथ गुलाम नबी आजाद के साथ आनंद शर्मा शामिल थे। और जैसे पिछले दिनों में गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के चुनाव कमेटी से इस्तीफा दिया था, उसी तरह आनंद शर्मा ने भी हिमाचल चुनाव को लेकर के जो कमेटी गठित की थी कांग्रेस में, एक जिसमें स्टीयरिंग कमेटी का हेड बनाया था उन्हें, उससे इस्तीफा दिया। आनंद शर्मा भी कांग्रेस में संतुष्ट नेताओं में एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और वो पहले पार्टी के नेता हैं जिन्होंने की आजाद से मुलाकात की है उनके इस्तीफे के बाद। तकरीबन एक घंटे ये मुलाकात चली, अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात खत्म हुई है और हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि जिस तरीके से आजाद ने इस्तीफा दिया और जो चिट्ठी लिखी उस बात को लेकर के दोनों के बीच विचार विमर्श हुआ। माना जा रहा है कि आजाद की जो नई पार्टी, जिसका ऐलान आजाद ने किया था कि वो जल्द नई पार्टी गठित करने वाले हैं, संभव है कि उसको लेकर के भी बात हुई हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ना तो आजाद की तरफ से ना ही आनंद शर्मा की तरफ से इस मीटिंग को लेकर कुछ कहा जा रहा है। अहम बात एक ये भी है कि कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों को तय करने के लिए। आनंद शर्मा CWC के सदस्य हैं, सदस्य आजाद भी थे लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, तो CWC की बैठक से ठीक पहले आनंद शर्मा का आजाद से मिलना और उनके इस्तीफे के बाद मिलना ये बेहद अहम है। हालांकि अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया आनंद शर्मा की तरफ से नहीं आई है। ठीक है जैनेन्द्र, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो जैनेन्द्र ने बताया कि ये मुलाकात जो तकरीबन एक घंटे तक चली फिलहाल खत्म हो गई है। लेकिन गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद देखिए पार्टी में हलचल क्योंकि काफी बढ़ भी गई है। हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित से बात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर सुन लेते हैं। G23 नेताओं में से एक अहम चेहरा है संदीप दीक्षित, इन्होंने आजाद को एक पत्र लिखा जिसमें आजाद से कई सवाल पूछे। खास बातचीत करने के लिए दीक्षित साहब हमारे साथ हैं। पहला सवाल तो गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे और उनकी जो चिट्ठी है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उसके जवाब में आपने भी उनको एक चिट्ठी लिखी, उसकी क्यों जरूरत? उसमें निराशा हुई, क्या है, क्यों हम लोग जुड़े थे, 23 हो क्या हो, बात वो नहीं, ऐसा था। मैं भी जो ज़्यादातर बात इन्होंने कही मैं तो 5-6 साल से कह रहा हूँ और जिस कारण से जैसे मैंने अपने पत्र में लिखा कि मुझे पहले भी मालूम था जब मैं पार्टी में बदलाव की बात कर रहा था, बदलाव किसी इंसानों का नहीं बल्कि तौर तरीकों का, तो मुझे मालूम था कि इसका मतलब है कि पार्टी में हम अधर्म में पड़ जाएंगे और अपना राजनीतिक कम से कम व्यक्तिगत भविष्य कुछ नहीं है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारी कटिबद्धता पार्टी और उसके तौर तरीके उसकी सोच समझ पर ज़्यादा है। तो हम जब उसमें जुड़े तो हमको लगा ये भाई इतने बड़े लोग हैं वही बात कह रहे हैं और मैं तो एक छोटा सा कोई मेरी बहुत ज़्यादा पहुंच या वो नहीं है कांग्रेस में, जब इतने बड़े लोग अच्छी बात कहेंगे तो उसका असर होगा और जुड़े रहे उसमें। उनके साथ कभी कभी तो अच्छा व्यवहार भी नहीं कांग्रेस ने किया, बार बार हमने समर्थन किया उनका, इन्होंने बार बार अपनी अपनी बात, अपना आक्रोश भी कहा, कभी कभी प्रेम से कभी प्यार से हम हमेशा साथ रहे। लेकिन बात ये थी जैसे मैंने उसमें लिखा था, इट वॉज़ अ बैनर ऑफ रिफॉर्म, मतलब हमने झंडा जो है रिफॉर्म का, तब्दीलियों का बुलंद किया था, विद्रोह का नहीं किया था। क्योंकि विद्रोह का क्या मतलब, हम पार्टी से थोड़ी विद्रोह कर रहे हैं, हमें पार्टी की कुछ नीतियों से दिक्कत है, पार्टी में काबिज कुछ लोगों से दिक्कत है, तो आप लोगों को बदलिए, नीतियों को बेहतर करिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।